नमस्कार, जी हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त अमेरिका में अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार। अभी अमेरिकी चुनाव के नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन इसी बीच शहर शहर से अमेरिका से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रदर्शनकारी काउंटिंग में हो रही देरी के चलते सड़क पर उतर गए और कई जगह झड़प की तस्वीरें सामने आई हैं। इस वक्त तस्वीर आप अमेरिका की देख रहे हैं। न्यूयॉर्क में झड़प के बाद 50 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए हैं। तो देखिए, अमेरिका के अलग अलग शहरों से, अलग अलग स्टेट से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां कई जगहों पर भिड़े हैं ट्रंप और बाइडेन के समर्थक। एक तरफ ट्रंप के समर्थक हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कल कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जहां जो बाइडेन के समर्थक जश्न मनाते भी नजर आए। लेकिन सबसे ज्यादा प्रदर्शन की तस्वीरें सामने इस वक्त आ रही है पूरे अमेरिका भर से। न्यूयॉर्क की ये तस्वीर देख रहे हैं जहां प्रदर्शनकारी और पुलिस सामने सामने, क्योंकि प्रदर्शनकारी नाराज हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार वोटों में हेराफेरी की बात करते रहे हैं, दांगली की बात करते रहे हैं, और अब जितने भी डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर चुके हैं। काउंटिंग में हो रही देरी के चलते ये प्रदर्शन। चलिए, बड़ी खबर जी हिंदुस्तान लगातार आपको बताता रहेगा। पल पल की अपडेट के लिए आप जी हिंदुस्तान लगातार देखते रहिए। लेकिन इस बीच कौन सी वो बड़ी खबर आ रही है और क्या अपडेट है उस पर, उसके लिए सीधा रुख करते हैं न्यूज रूम का, जहां इस वक्त हमारी सहयोगी लक्ष्मी उपाध्याय मौजूद है। लक्ष्मी, क्या खबर आपके पास? बिल्कुल प्रिया, देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका में काउंटिंग के बीच पोर्टलैंड में बवाल हुआ है। पोर्टलैंड में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जोरदार झड़प हुई है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पोर्टलैंड की सड़कों पर उतरे हैं हजारों प्रदर्शनकारी। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, इस बात का अंदाजा बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। जिस तरीके से लगातार डोनाल्ड ट्रंप चुनाव प्रक्रिया को लेकर तीन राज्यों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उसके बाद ट्रंप के जो समर्थक है वो लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी ओर बाइडेन के समर्थक भी इस बात से नाराज हैं क्योंकि काउंटिंग को रोकने की कोशिश की गई। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको देखते हुए पोर्टलैंड में बवाल हुआ है। प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की गई, पुलिस के द्वारा झड़प हुई है, मारपीट हुई है, यानी कि प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच ये मारपीट हुई है। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने यहां से गिरफ्तार भी कर लिया है। सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी उतरे हैं, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका में ये पहली बार ऐसा हुआ है जब इस तरीके की तस्वीरें चुनाव के वक्त, काउंटिंग के वक्त सामने आ रही हो, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े नहीं किए। लेकिन इस बार ट्रंप ने तीन राज्यों में चुनावी प्रक्रिया को लेकर जो सवाल खड़े किए हैं, उसने कहीं न कहीं इन तस्वीरों को एक बार फिर से सामने ला दिया है। काउंट एवरी वोट, अब अमेरिका में नए आंदोलन का ये नया नारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक नई मुसीबत बन गया है। न्यूयॉर्क में बड़े पैमाने पर निकला ये मार्च डेमोक्रेसी की मांग कर रहा है और अपना हर वोट गिने जाने का हक मांग रहा है। Every vote counts. Count every vote. इसी तरह शिकागो में भी हर वोट काउंट किए जाने की मांग को लेकर लोग सड़कों पर निकल पड़े। लोगों का आक्रोश ये बता रहा है कि ज्यादा देर तक चुनावी नतीजों में अनिर्णय की स्थिति हालात सामान्य नहीं रहने देगी। अमेरिका के हर हिस्से में हो रहे ऐसे प्रदर्शन वोटर्स का यही मिजाज बता रहे हैं। अब डेमोक्रेट खेमे को मिली बढ़त और उधर ट्रंप के पिछड़ने की वजह पर चाहे जितनी बहस हो जाए, चुनावी जीत को लेकर कोर्ट के फैसले चाहे जब तक आए, लेकिन सड़कों पर निकला यह आंदोलन कह रहा है कि अमेरिकियों को ट्रंप पर एतबार नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाई अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर। सस्पेंस अब भी बरकरार है। चार राज्यों में अभी भी जारी है वोटों की गिनती। जो बाइडेन पर ट्रंप ने इस बीच धांधली का आरोप लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पूरा मामला। तो देखिए, यूएस इलेक्शन से जुड़ी हर जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर सस्पेंस बरकरार, तीसरा दिन लगातार आज। लेकिन डे वन से जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप को पीछे छोड़ते नजर आए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भी डे वन से यह आरोप लगाया जो बाइडेन पर कि वोटों में हेराफेरी हुई है, धांधली हुई है, लगातार अपनी दलीलें दी। और उन्होंने स्पष्ट ये किया था जब वोटों की गिनती अमेरिका में शुरू हो चुकी थी, उस बीच आकर के जब डोनाल्ड ट्रंप पीछे चल रहे थे जो बाइडेन से, उसी बीच ये कहा भी था कि यहां धांधली हुई है, जरूरत पड़ी तो अदालत का दरवाजा हम खटखटाएंगे।
तो अमेरिकी चुनाव नतीजों पर इस वक्त की जो दूसरी बड़ी खबर है वो भी जानिए आप। ट्रंप ने अभी अभी प्रेस को संबोधित किया अमेरिकी चुनाव नतीजों के बीच में। ट्रंप का गंभीर आरोप, ट्रंप ने फिर लगाया चुनाव में धांधली का इल्जाम। गड़बड़ वाले वोट अगर हटा दिए जाए तो मैं जीत सकता हूं, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। यानी सीधे तौर पर यह कहा है कि उन्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता था। अगर धांधली नहीं हुई है तो फिर उनकी जीत सुनिश्चित थी, लेकिन चूंकि धांधली का आरोप ये लगा रहे हैं और सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि गड़बड़ी अगर नहीं की गई होती तो मैं जीत जाता, धांधली का आरोप लगा रहे हैं। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जो इनको इलेक्टोरल वोट पड़े हैं उसमें कमी देखी जा रही है। लेकिन क्योंकि इसके पीछे की जो वजह है वो भी बताई इन्होंने कि जो बाइडेन के जो समर्थक हैं उन्होंने यहां पर किस तरीके से प्रदर्शन किया वो भी तस्वीर हमने आपको दिखाई। इस बीच ये वजह बता रहे हैं कि जो बाइडेन ने वोटों में धांधली कराई है। सीधे तौर पर यह डोनाल्ड ट्रंप का आरोप है जो बाइडेन पे। अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, सस्पेंस बरकरार है। इन सब के बीच में यहां डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं जो बाइडेन पर कि वोटों में हेराफेरी हुई है, धांधली हुई है। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप बहुत पीछे हैं। हालांकि हार अभी भी नहीं मान रहे हैं ये, एक बार भी इस चीज का जिक्र इन्होंने नहीं किया। जब भी आए सामने उन्होंने ये कहा है कि हम जीतेंगे, हम जीत रहे हैं। और अब तो इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि अगर वोटों में हेराफेरी नहीं हुई होती तो हम जीत जाते। और जो बाइडेन अगर इस स्थिति में है तो इस वजह से क्योंकि उन्होंने धांधली की है। अदालत पहुंचेगी व्हाइट हाउस की लड़ाई। So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. धांधली के आरोपों के बीच जीत का दावा। We were getting ready for a big celebration. We were winning everything. ट्रंप की चुनौती पर बाइडेन प्रहार। It's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. Keep the faith, guys. We're going to win this. अमेरिका में वोटों की गिनती के बीच ट्रंप समर्थक जश्न के मूड में आ गए हैं। दावा अमेरिका में फिर से ट्रंप सरकार का है, लेकिन मीडिया में आकर जीत का दावा कर रहे डोनाल्ड ट्रंप ने वोटों की गिनती में धांधली का आरोप भी लगा दिया है। इशारा साफ है कि इस बार राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का बवाल अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक जाने वाला है। This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4:00 in the morning and add them to the list. Okay? It's a very sad moment. To me, this is a very sad moment. ट्रंप ने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार जो बाइडेन पर वोटों की गिनती में धोखाधड़ी का आरोप लगाया, तो वहीं बाइडेन इसे ट्रंप की बौखलाहट बताते नजर आए। Look, you know, we could know the results as early as tomorrow morning, but it may take a little longer. As I've said all along, it's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. But I'm optimistic about this outcome. And I want to thank every one of you who came out and voted in this election. And by the way, Chris Coons and the Democrats, congratulations here in Delaware. And I'm grateful to all my supporters here in Delaware and all across the nation. Thank you, thank you, thank you. उधर ट्रंप की इस नाराजगी और दावे पर बाइडेन खेमा ने सख्त एतराज जताया है और इसे वोटिंग और काउंटिंग की प्रक्रिया का अपमान करना बताया है। बाइडेन कैंपेन टीम ने कहा कि वो इसका कानूनी जवाब देने के लिए तैयार हैं। पेंसिल्वेनिया में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने चुनाव में धांधली को लेकर कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी है। ट्रंप ने मतदान में धांधली का आरोप क्यों लगाया है वो समझ लीजिए। दरअसल इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में कोरोना की वजह से पोस्टल बैलेट की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इस बार लगभग 10 करोड़ अर्ली वोट डाले गए हैं, जिसमें पोस्टल बैलेट की संख्या 6 करोड़ के करीब है।
अमेरिका के कुछ राज्य जिनमें बाइडन की पार्टी यानी डेमोक्रेट सरकार है, वहां की अदालतों ने चुनाव पूरा होने के 3 दिन बाद तक पहुंचे पोस्टल बैलेट को गिनती में शामिल करने का आदेश दिया है। ट्रंप इस पर विरोध जता रहे हैं। ट्रंप को आशंका है कि पोस्टल बैलेट से पड़े ज्यादातर वोट डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, जिससे काउंटिंग में अब तक ट्रंप के पक्ष में झुकता परिणाम बदल सकता है, इसीलिए वो धांधली का आरोप लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बड़ी खबर आपको बताते हैं इस वक्त। दरअसल अमेरिकी चुनाव से जुड़ी यह खबर, जॉर्जिया से यह खबर सामने आ रही है। कांटे की टक्कर यहां पर बताई जा रही है। ट्रंप और बाइडेन के बीच में महज 0.1% वोट का अंतर है, बहुत ही कम वोट का अंतर है ये। आप अंदाजा लगा सकते हैं ट्रंप और बाइडेन के बीच में रस्साकस्सी, नेक टू नेक फाइट चल रही थी, लेकिन ट्रंप और बाइडेन के बीच में 3,000 से कम वोटों का अंतर बताया जा रहा है। जॉर्जिया से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जॉर्जिया पे सबकी निगाहें बनी हुई है, जॉर्जिया में कांटे की टक्कर इस वक्त है। और चलिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, और सबसे पहले अमेरिका टुडे के एडिटर हमारे साथ तेजेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं। सर, ये जो खबर सामने आ रही है जॉर्जिया में नेक टू नेक फाइट की, इससे कितना प्रॉफिट होगा डोनाल्ड ट्रंप को, या फिर अगर यहां पे अगर कमाल कर भी जाते हैं तो फिर गद्दी से दूर रहेंगे डोनाल्ड ट्रंप? ये जो आपने ट्रंप की जो जॉर्जिया में डिफरेंस के बारे में बोला जी, तो ध्यान रखिए कि इनका डिफरेंस काफी ज्यादा था, ये अब जैसे जैसे वोट काउंट हो रहे हैं डिफरेंस कम होता जा रहा है, तो ये ट्रंप के अगेंस्ट जा रही है बात। और जबकि नेवाडा में बाइडेन का जो डिफरेंस था 8,000 के कम था, अब वो 12,000 से कम हो गया है। सो यू नो, तो बाइडेन को सिर्फ 6 और इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स चाहिए, जो कि नेवाडा में 6 वोट्स हैं, और अरिजोना तो उसको उनको पहले ही दिया जा चुका है फॉक्स न्यूज ने, एसोसिएटेड प्रेस ने। और जॉर्जिया जो है वो पहले ट्रंप उसमें बहुत आगे था, और अब वो सिर्फ जैसा आपने कहा 3,000 से भी कम, 2,497 है लेटेस्ट जो है उनकी बढ़त है, और उनकी बढ़त लगातार कम होती जा रही है। तो क्या ट्रंप अब वापसी कर पाएंगे? लगता है जो नतीजे सामने आ रहे हैं, ट्रंप शुरू से यहां पर पीछे दिखते चले गए हैं और ये फासला लगातार बढ़ता चला गया है, ट्रंप की वापसी क्या मुमकिन है? ट्रंप ने आज शाम को 6:30 हमारे लोकल टाइम ईस्टर्न टाइम में कहा कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूं। जब वो आए ब्रैडी प्रेस ब्रीफिंग रूम में, तो उन्होंने एक 10-15 मिनट अपनी एक स्टेटमेंट पढ़ी जो कि विच इज फुल ऑफ लाइज, झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ। और उनकी जो आवाज थी वो बिल्कुल जैसे किसी शमशान घाट में जब लोग जाते हैं और वो यू नो रोना धोना करने, एकदम रोनी आवाज में, और यू नो कोई उसके बाद उन्होंने फट से मुड़े और चले। हम लोगों ने क्वेश्चंस भी शाउट करने शुरू किए, लेकिन उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं लिया और वो चले गए। और वो अभी अपने आप को, और आप यदि सीरियली देखिए तो जितने भी लॉ सूट्स ट्रंप कैंपेन फाइल कर रहा है वो एक के बाद फेडरल जजेस उनको बाहर फेंक दे रहे हैं। उन्होंने पेंसिल्वेनिया में कहा था कि इस काउंटिंग को बंद करो, तो उसको फेडरल जज ने बाहर फेंक दिया कि नहीं, काउंटिंग चल रही है, चलती रही। बिकॉज एक चीज जो बहुत ही समझने की है, खास करके जो आपके भारतीय दर्शक हैं, ये है कि ये एक डिक्टेटर कंट्री नहीं है, एक डेमोक्रेसी है, और यहाँ का एक एक जो बंदा है वो डेमोक्रेटिक है, चाहे वो ट्रंप को सपोर्ट करे चाहे वो बाइडेन को सपोर्ट करे, लेकिन ट्रंप के साथ कोई नहीं जुड़ेगा जब वो इस तरह की धांधलीबाजी करके यदि वो पावर में रहना चाहेंगे। अभी भी जितने लोग उनके लिए दौड़ रहे हैं वो उनके कुछ बहुत करीबी हैं या उनके फैमिली मेंबर्स हैं। बिल्कुल, देखिए आपने कहा कि भारत के जो दर्शक है वो यही इस वक्त जानना चाहेंगे कि एक्चुअल स्थिति वहां पर क्या है और क्यों ट्रंप बार बार ये आरोप लगा रहे हैं वोटों की धांधली की जो बात कर रहे हैं। और ये भी दर्शाया आपने, अब से पहले हमने ट्रंप को देखा था, जितनी बार भी वो सामने आए अमेरिका के लोगों को उन्होंने संबोधित किया बड़े ही कॉन्फिडेंट में नजर आए थे, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि पिछली बार जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो बहुत ही होपलेस लग रहे थे, आवाज भी वो बुलंद नहीं थी, क्योंकि ट्रंप हमेशा एक अलग अंदाज में नजर आए, एक पॉजिटिव साइन के साथ वो हमेशा से सामने आते रहे हैं। तो ये मान के चले कि अंदर
वो भी मान चुके हैं कि हार है, लेकिन ये सर फिर ये मानने के बाद ये कहना कि जो वोटों में धांधली हुई है उस वजह से ये स्थिति है, जो बाइडेन पे इस तरीके के आरोप लगाना, ये कहां तक सही है और वाकई सच्चाई क्या है, आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि अभी यही चल रहा है इलेक्शन के रिजल्ट जैसे जैसे सामने आ रहे हैं हम दिखा रहे हैं, लेकिन यहां के लोग तो जो बाइडेन कर रहे हैं या फिर जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं उन बातों को सुन रहे हैं। अब इस धांधली को लेकर के जो बातें कही जा रही है इसमें क्या सच्चाई है? इसके लिए आपको मैं ले चलूंगा इलेक्शन वाले दिन। इलेक्शन वाले दिन नवंबर 3 को ट्रंप सारा दिन घर में रहे, कहीं नहीं गए व्हाइट हाउस से, सिर्फ एक बार निकले और वर्जीनिया में जो रिपब्लिकन पार्टी का हेडक्वार्टर है, इलेक्शन हेडक्वार्टर, वहां गए। तो वहां पे उनसे जब पूल जर्नलिस्ट ने कुछ एक दो क्वेश्चंस पूछे तो उसमें एक क्वेश्चन ये भी था कि आर यू रेडी फॉर कंसेशन स्पीच और विक्ट्री स्पीच, क्योंकि जो जीतेगा वो कंसेशन, जो विक्ट्री स्पीच देगा और जो हारेगा वो कंसेशन स्पीच देगा। उन्होंने कहा कि विनिंग तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई हैव बीन ए विनर, बट लूजिंग इट इज ए प्रॉब्लम फॉर मी। सो उस दिन उन्होंने ये चीज जो है बड़ी साफ स्पष्ट कह दी कि मैं आई एम नॉट ए गुड लूजर। सो वो जैसे सुबह उठ के बच्चे स्कूल जाते हैं, कुछ बच्चे तैयार होके आराम से जाते हैं और कुछ बच्चों को घसीटते हुए ले जाना पड़ता है। तो इनको घसीटते हुए ले जाने वाली बात सामने आएगी। और जैसा आप कह रही हैं कि उन्होंने कहा कि ये जो भी वो जिसको कहें यू नो एक्यूजेशंस लगा रहे हैं कि धांधली हो रही है, तो उसका कोई प्रूफ तो नहीं है ना, वो जो मर्जी करें जितने भी वो जो देखिए उन बयानों की वजह से किस तरीके से न्यूयॉर्क से भी प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है, हिंसक झड़प हो रही है पुलिस वाले और डोनाल्ड ट्रंप के जो समर्थक है उनके बीच में, प्रदर्शनकारियों के बीच में तस्वीरें तो इलेक्शन के बीच हमें देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया तेजेंद्र सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए और विस्तार से इन तमाम बातों को सामने रखने के लिए और भारत के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है ये सारी बातें बताने के लिए। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान की लाइव टीवी पे कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।